हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स को स्टार्ट किया था। उसमें अपन ने सल्फोनेशन पढ़ चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे असाइलेशन ऑफ फिनॉल। तो असाइलेशन ऑफ फिनॉल दो तरीके से किया जा सकता है, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन या फिर फ्राइस रीअरेंजमेंट। तो जब असाइलेशन ऑफ फिनॉल की बात की जाती है तो इसी के साथ साथ अल्काइलेशन ऑफ फिनॉल भी आता है। तो यहाँ पर सिर्फ जो रिएक्टेंट है उसका फ़र्क है। अगर हमें असाइलेशन करवाना है तो यहाँ पर जो अटैक करने वाला होता है वो होता है असाइलियम आयन बनाते हैं, फिर अटैक करवाते हैं फिनॉल के ऊपर। और अगर फिनॉल का अल्काइलेशन करवाना है तो उसके लिए रिएजेंट जो लिया जाता है वो एल्किल हैलाइड लिया जाता है। अटैक जो कराया जाता है वो एल्काइल आयन का करवाया जाता है या फिर कार्बोकेटायन का करवाया जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फ्रीडल का अल्काइलेशन और असाइलेशन की। देखिए, यहाँ पर फिनॉल की रिएक्शन करवाई गई है असाइल हैलाइड या एसिड एनहाइड्राइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट मिल रहा है ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन या पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो प्रोडक्ट में अपन को क्या मिला? फिनॉलिक कीटोन मिला। इसी तरीके से जब एल्काइलेशन करवाना हो तो यहाँ एसाइल हैलाइड की जगह हम क्या ले सकते हैं? एल्किल हैलाइड लेंगे और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑर्थो एल्काइल फिनॉल या पैरा एल्काइल फिनॉल। इसकी मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म में सबसे पहले जनरेशन ऑफ असाइलियम आयन होगा। तो यहाँ पे AlCl3 क्या करेगा? इस एसाइल क्लोराइड से Cl को लेकर AlCl4- में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा? अपना इलेक्ट्रोफाइल या असाइलियम आयन। यह असाइलियम क्या करेगा? या तो इसके ऑर्थो पर अटैक करेगा या फिर पैरा पर। तो अपन ने यहाँ पर ऑर्थो पर अटैक दिखा रखा है। ऑर्थो पर यह अटैक करेगा। अटैक करने के बाद यहाँ पर देखिए, ये ऑर्थो पर भी अटैक कर सकता है और पैरा पर भी अटैक कर सकता है। आफ्टर दैट ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होंगे और आपका क्या बन जाएगा? ऑर्थो असाइल फिनॉल। और अगर ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड को डोनेट करता है तो बन जाएगा आपका पैरा असाइल फिनॉल। तो देखिए, अगला है अपना फ्राइस रीअरेंजमेंट। तो फ्राइस रीअरेंजमेंट में देखिए क्या होता है। प्रोडक्ट जो है वो तो आपका ऑर्थोसाइल और पैरासाइल फिनॉल ही बनता है, बट यहाँ पे जो रिएजेंट लिया जाता है वो क्या लिया जाता है? रिएजेंट लिया जाता है फिनॉलिक एस्टर या फिनाइल एसीटेट। देखिए, यहाँ पर जब फिनाइल एसीटेट की रिएक्शन किससे करवाई? एनहाइड्रस AlCl3 से। तो आपका प्रोडक्ट क्या बना? प्रोडक्ट बना ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल और पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल आपका प्रोडक्ट बना। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। इसकी जो मैकेनिज्म है वो दो तरह से फॉलो हो सकती है। पहली होती है इंटरमोलिकुलर, दूसरी है इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर में क्या होगा कि एक ही रिएजेंट के या फिर एक ही एडक्ट में से असाइल ग्रुप एक ही स्टेप में ट्रांसफ़र होकर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर जाकर अटैच हो जाएगा। तो ये होती है आपकी इंट्रामोलिकुलर। और इंटरमोलिकुलर में क्या होगा? इंटरमोलिकुलर के अंदर आपका जो असाइल ग्रुप है पहले बॉन्ड ब्रेक करके असाइलियम आयन में कन्वर्ट होगा, देन उसके बाद वो क्या करेगा? अटैक करेगा। तो इसे बोला जाता है इंटरमोलिकुलर। तो देखिए, यहाँ पर पहले इंटरमोलिकुलर मैकेनिज्म में आपने फिनाइल एसीटेट लिया है, इस इलेक्ट्रॉन इस लोन पेयर पर ये AlCl3 आके अटैक कर रहे हैं और आपका क्या बन रहा है? आपका सॉल्ट बन रहा है, फिनॉलिक सॉल्ट बन रहा है, एल्यूमिनियम का सॉल्ट बना रहा है। आफ्टर दैट ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और इस असाइल ग्रुप को असाइलियम के फॉर्म में बाहर निकालेगा और खुद क्या बना लेगा? सॉल्ट बना लेगा एल्यूमिनियम का। ये जो असाइलियम आयन है ये इस सॉल्ट के ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा, क्योंकि देखिए ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लोन पेयर इधर से इधर ट्रांसफर होंगे और लोन पेयर इधर से इधर ट्रांसफर होंगे तो ये बॉन्ड इधर से इधर ट्रांसफर होगा और यह नेगेटिव चार्ज आएगा। इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर यह असाइलियम आके अटैक करेगा और आपको क्या बनाएगा?
आपका ये एडक्ट बनाएगा एल्यूमिनियम का। इसके हाइड्रोलाइसिस के बाद देखिए आपको मिल जाएगा आपका ऑर्थो असाइल फिनॉल मिल जाएगा। तो देखिए इंटरमोलिक्यूलर में क्या हुआ, पहले यहाँ से इसने बॉन्ड ब्रेक किया और फिर इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई, फिर इसने आके अटैक किया। अब देखिए इंट्रामोलिक्यूलर में देखिए, तो इंट्रामोलिक्यूलर में देखिए यहाँ पर इस वाले एडक्ट से सॉल्ट से बात करते हैं अपन, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ से इस ऑक्सीजन एटम पर ट्रांसफर होगा क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव है। और जैसे ही ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए ट्रांसफर होगा, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और ये असाइलियम आयन ये इधर आके अटैच हो जाएगा। तो देखिए यही स्ट्रक्चर मिलेगी अपन को। अगले स्टेप में ये जो आपका हाइड्रोजन है ये बॉन्ड देकर ही डबल बॉन्ड बना लेगा और आपका क्या मिलेगा, ये आपको एडक्ट मिलेगा जो हाइड्रोलाइसिस के बाद आपको ऑर्थो असाइल फिनॉल देगा। तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। ये असाइल आप चाहे तो, क्योंकि यहाँ पर अटैच करवाया है इस बॉन्ड में, आपको पता होगा बेंजीन में जो ट्रिपल बॉन्ड्स डबल बॉन्ड्स होते हैं वो डीलोकलाइज होकर अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, तो ये वाला बॉन्ड इधर भी है, ये रेजोनेंस की वजह से इसे ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर जो अटैचमेंट दिखाया है वो इसीलिए इस बॉन्ड को इधर ट्रांसफर करके दिखाया है क्योंकि यहाँ पे ये डीलोकलाइज है। तो आपका ये प्रोडक्ट मिल गया। अगला देखिए फॉर्माइलेशन। फॉर्माइलेशन देखिए क्या होता है कि एडिशन ऑफ फॉर्माइल या एल्डिहाइडिक ग्रुप को क्या बोलते हैं, फॉर्माइलेशन बोला जाता है। तो इसके लिए जो जो मेथड काम में लिए जाते हैं उनमें देखिए पहला है गॉटरमैन सिंथेसिस। गॉटरमैन सिंथेसिस के बाद दूसरा मेथड है राइमर टीमोल रिएक्शन। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं गॉटरमैन सिंथेसिस की। देखिए गॉटरमैन सिंथेसिस के बाद आपका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, फिनॉल एल्डिहाइड मिलता है। फाइनल प्रोडक्ट आपका फिनॉल एल्डिहाइड होता है। तो यहाँ पे देखिए व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन साइनाइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड का मिक्सचर लिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेनडिहाइड। ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड और मेजर प्रोडक्ट होगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। तो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। पहले स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में HCl क्या करेगा, H+ और Cl- की फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बनाया इसने, देखिए इसने बनाया H+ एंड Cl-। अब ये H+ इस हाइड्रोजन साइनाइड के नाइट्रोजन के लोन पेयर पर अटैक करेगा। तो आफ्टर अटैक देखिए नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन को दो इलेक्ट्रॉन पेयर को किसको दे दिया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को दे दिया हाइड्रोजन प्लस को। अगले स्टेप में ये नाइट्रोजन अपने पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए क्या करेगा, इस ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को इधर ट्रांसफर करेगा। देखिए यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया इसने और पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन से कहाँ शिफ्ट हो गया, कार्बन के ऊपर। अगले स्टेप में ये जो Cl- था ये इस कार्बन पर अटैक करेगा और क्या बनाएगा, फॉर्मेल्डिमीनो क्लोराइड। तो ये इमीन है और यहाँ पे क्लोराइड भी बन रहा है तो फॉर्मेल्डिमीनो क्लोराइड। अगले स्टेप में ये फॉर्मेल्डिमीनो क्लोराइड क्या करेगा, AlCl3 से रिएक्शन करेगा। अब AlCl3 क्या होता है, हेलोजन एक्सेप्टर होता है, तो ये इस Cl को लेकर AlCl4- में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा किस पर, कार्बन पर। तो कार्बन पर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया तो यही क्या होता है आपका, यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट और या अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो इसकी देखिए मैकेनिज्म देखिए, यहीं से स्टार्ट है मैकेनिज्म। पहले स्टेप में क्या होगा कि फिनॉल पर जो AlCl3 आपने लिया है वो हेलोजन एक्सेप्टर है, तो वो यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड के लिए तो रिएक्शन करेगा ही हेलोजन एक्सेप्टर की तरह, साथ साथ ये लुईस एसिड भी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो ये क्या करेगा,
यहाँ से लोन पेयर पर अटैक करके पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए ये ऑक्सीजन क्या करेगा, एच प्लस डोनेट करेगा, और एक सी एल कहाँ से लेगा, AlCl3 से लेकर क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, और आपका ये एल्यूमिनियम सॉल्ट या एल्यूमिनियम एडक्ट बन जाएगा। आफ्टर दैट इस एल्यूमिनियम एडक्ट के देखिए क्या होगा, इस बॉन्ड माइग्रेशन के थ्रू यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आएगा, ये आपको दिख रहा है, देखिए बॉन्ड माइग्रेशन यहाँ पे रेजोनेंस की तरह बॉन्ड माइग्रेशन हो रहा है, और यहाँ नेगेटिव चार्ज जो आएगा उस पर ये पॉजिटिव आकर या अपना इलेक्ट्रोफाइल आकर क्या करेगा, अटैक कर देगा। उसके अटैक के बाद क्या होगा, यहाँ पर अटैक के बाद यहाँ इस पेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी वैनिश्ड हो गई। इसे मेंटेन करने के लिए ये एच क्या करेगा, एच प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा और ये बॉन्ड को इधर ट्रांसफर कर देगा। ये वाला बॉन्ड इधर से इधर जाएगा, ये इधर से इधर, ये ओ नेगेटिव, जैसे ही ओ नेगेटिव आया इसने क्या किया, इस एच प्लस को लेके क्या बना लिया आपका, ये एडक्ट बना लिया। अब इस एडक्ट के बनने के बाद मीडियम आपने जो लिया है वो एसिडिक लिया है, तो ये एच प्लस क्या करेगा, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर पर अटैक करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनएच टू प्लस में। अब इस एनएच टू प्लस को न्यूट्रल करने के लिए ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ से एक बॉन्ड इस नाइट्रोजन पर ट्रांसफर होगा, और नाइट्रोजन पर जैसे ही ट्रांसफर हुआ तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया। इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आते ही जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, उसमें जो ऑक्सीजन है उसके लोन पेयर यहाँ पर ये पॉजिटिव उसके लोन पेयर पर अटैक करेगा और क्या बना लेगा, ये आपका एडक्ट मिलेगा जहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको न्यूट्रल करने के लिए ये ऑक्सीजन क्या करेगा, एच प्लस को डोनेट करेगा। जैसे ही ये एच प्लस को डोनेट करेगा ये एच प्लस नाइट्रोजन के लोन पेयर पर अटैक करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्वार्टरनरी सॉल्ट में। अब क्वार्टरनरी सॉल्ट में इसके कन्वर्ट होने के बाद अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद अमोनिया आपकी बाहर लिबरेट हो जाएगी और यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसे क्योंकि ये एनएच एन प्लस ने क्या किया, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले लिया और अमोनिया के फॉर्म में बाहर निकला, और यहाँ पर इस पर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए ये इसके जो दो लोन पेयर हैं वो क्या करेंगे, वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होंगे तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। आफ्टर दैट ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस एच के इलेक्ट्रॉन को लेके इसको एच प्लस के फॉर्म में बाहर निकाल देगा और क्या बना लेगा आपका, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। सो ये थी मैकेनिज्म आपकी, पूरी कंप्लीट मैकेनिज्म गाटरमैन सिंथेसिस की। तो अगला देखिए राइमर टीमोन रिएक्शन। तो राइमर टीमोन रिएक्शन में फिनॉल की रिएक्शन करवाई जाती है क्लोरोफॉर्म से, और प्रोडक्ट क्या बनते हैं, मेजर प्रोडक्ट आपका बनता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, और माइनर क्या बनता है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। तो इसकी मैकेनिज्म देखिए, फर्स्ट स्टेप में ये क्लोरोफॉर्म बेस की प्रेजेंस में एच प्लस डोनेट करके क्या बना लेता है, ट्राई क्लोरोकार्बेन आयन बनाता है। आफ्टर दैट ट्राई क्लोरोकार्बेन आयन एक सी एल माइनस निकाल के किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डाई क्लोरोकार्बीन में। ये डाई क्लोरोकार्बीन फिनॉल के बेस की प्रेजेंस में फिनोक्साइड आयन बनेगा, इस फिनोक्साइड आयन के ऑर्थो पोजिशन पर अटैक करती है, और अटैक करने के बाद ये कार्बीन जो होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, जैसे इसने इस नेगेटिव चार्ज को लिया इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड माइग्रेशन दिखा रखा है। अगले स्टेप में जैसे ये एच प्लस निकला ये सी माइनस पर अटैक करके इस तरह का एडक्ट बनाएगा, फिर ओ एच माइनस यहाँ पर बैक साइड अटैक करेगा और क्या करेगा, सी एल माइनस को बाहर निकाल देगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये ओ एच यहाँ आके ऐड हो गया, इस ओ एच ने क्या किया यहाँ से यहाँ अटैक किया और सी एल माइनस को बाहर निकाल दिया, और आफ्टर दिस हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद आपका क्या बन गया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। अगर ऑर्थो पोजीशन जो है फिनॉल की वो ऑक्यूपाइड होती है, दोनों में से अगर एक भी ऑक्यूपाइड है तो प्रोडक्ट कौन सा मेजर बनेगा, आपके आपके जो पैरा प्रोडक्ट है वो मेजर बनेगा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर ऑर्थो पोजीशन वेकेंट है तो फॉर्माइलेशन ऑर्थो पोजीशन पर होगा, और अगर पैरा पोजीशन ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड है तो पैरा पोजीशन पर होगा। थैंक यू।